विजयदशमी पर बनारस में इस बार जोरदार आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। भरिका में 75 फीट का रावण का पुतला तैयार हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी ये जिले का सबसे बड़ा पुतला होगा। इस बार 24 अक्टूबर को काशीवासी मिलकर दशहरा के पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। भरिका दशहरा मेला में तकरीबन एक घंटे तक अद्भुत आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी दशहरा पर्व को काशीवासी धूमधाम से मनाएंगे। आतिशबाजी से भरा ये त्योहार बुराई से अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अभी आने में इसको लगभग एक महीने से कम समय बाकी है। 24 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन के लिए कारीगर सुबह से शाम तक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को आकार देने में लगे हुए हैं। इस बार दशहरा के मौके पर बनारस का सबसे बड़ा रावण का पुतला बरेका में जलाया जाएगा। साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी विशाल होंगे। पूरा दिन कारीगर पुतलों को आकार देने में लगे हुए हैं। 10 सिर वाले दशानंद को बहुत सुंदरता के साथ तैयार किया जाएगा। इसके लिए कारीगर पूरा दिन जुटे हुए हैं। सभी के मन में दशहरा को लेकर बहुत उत्साह होता है और सभी के मन में ये सवाल होता है कि इस बार सबसे बड़ा रावण का पुतला कहाँ जलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बार रावण का सबसे बड़ा पुतला 75 फीट का बरेका में जलेगा। बरेका में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार होने लगे हैं। इस बार 75 फीट का रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। साथ ही कुंभकर्ण 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट ऊंचा होगा। कारीगर सुबह 8 बजे से पुतले के निर्माण में लग जाते हैं और ये सिलसिला रात 9 बजे तक चलता रहता है। दोपहर के समय कारीगर खाना खाने के लिए अपने काम को थोड़ी देर रोकते हैं और फिर उसके बाद पुतले के निर्माण कार्य में लग जाते हैं। अपना नाम बता दें पहले। नाथ ना है। कितने साल से आप ये तैयार कर रहे हैं? हम कम कम 30 साल से। 30 साल से। अच्छा, ये बांस वगैरह कहाँ से लाते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं? इतिहास से बताए तो। अच्छा, इतिहास से। इतिहास से बांस आता है। हाँ। 100 बांस लगता है। 100 बांस। तो अच्छा, 100 बांस में किसका किसका बनता है इसमें? तो बैठा हुआ कैसा बंधा दादी बुढ़ी तो ही में। हाँ। एक मेघनाथ, एक कुंभकर्ण। हाँ। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाता है? दूसरा महीना हो गया। दूसरा महीना, दो महीना हो गया। तो कितना समय लग जाता है बनाने में? दो महीना पूरा। एसडी सिंह, निदेशक। किस तरह का ये लीला यहाँ पे होता है, कितने बच्चे आते हैं, कहाँ से आते हैं और क्या इनका योगदान रहता है? रामचरित मानस पर आधारित रूपक, जिसे हम रामलीला नहीं कहते, रूपक, ये मोनो एक्टिंग द्वारा होता है, जिसमें 53 बच्चे मतलब छात्र और 23 छात्राएं लड़कियां, जो कि BLW कैंपस के अंदर जितने विद्यालय हैं यहीं के होते हैं, इसमें बाहर से कोई नहीं होता है। राम वन गमन से रावण वध तक की लीला 2.5 घंटे में मोनो एक्टिंग द्वारा दिखाई जाती है। स्टेज पर से संवाद और गीत बोले जाते हैं और उसी के अनुसार बच्चे ग्राउंड पर एक्टिंग अपना करते हैं। तो कितने समय इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है और बच्चे ये जो है हर साल बदलते रहते हैं या वही बच्चे रहते हैं? बच्चे जैसे कि इंटर तक पहुंच गए, इंटर के बाद जो बच्चे गए फिर उनको नहीं बुलाते हैं हम लोग। जो DLW कैंपस के अंदर, क्योंकि यहाँ इंटर कॉलेज तक ही विद्यालय है, तो उन्हीं विद्यालयों से लेते हैं। हर साल 30-40% बच्चे बदलते रहते हैं और इनका रिहर्सल, क्योंकि बच्चे नए काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए कम से कम 1.5 से 2 महीने तक रिहर्सल इनका कराना पड़ता है। बात करें अगर पुतले की, तो किन का कितने का लगता है और ये प्रथम स्टार्टिंग किस सन से हुआ था इसका? ये शुरुआत इसकी हुई थी जब से DLW की स्थापना हुई। इसका मुख्य कारण था कि DLW बनाने के लिए जब जमीन एक्वायर की गई थी तो पहले यहाँ दशहरा का मेला लगता था, ग्रामीणों द्वारा लगाया जाता था। कुछ ज़मीनें इस शर्त पर DLW को दी गई थी कि आप प्रतिवर्ष दशहरा मेले का आयोजन यहाँ करते रहेंगे। ये बहुत पहले से ही यहाँ चल रहा है, जब से DLW की स्थापना हुई तब से कार्यक्रम चल रहा है। इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की ऊंचाई कितनी रहेगी? 75 फीट रावण, 65 फीट कुंभकर्ण और 60 फीट मेघनाथ की लंबाई। कारीगर जो आते हैं ये कितने पीढ़ियों से बना रहे हैं, क्या नाम है इन लोगों का? जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ सन 1989 से, तब पहले बाबू खान मड़ुआ डी के थे, वही बनाते थे। उनके मरने के बाद उनका नाती शमशाद खान है, विगत करीब 15-16 वर्षों से बना रहा है। संख्या की बात की जाए तो इसमें जो है दशहरे पे कितनी संख्या यहाँ पे उमड़ती है? यहाँ पर प्रतिवर्ष कम से कम जिस बार संख्या रही है, लाख से कम आज तक कभी नहीं, 1-1.5 लाख की भीड़ यहाँ।
कितनी बार ऐसा भी हुआ कि बारिश हो रही थी और जो है तो उस समय कितनी समस्याएं होती हैं? हाँ, दो बार ऐसा हुआ कि बरसात दशहरे के दिन ही लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रभु राम की कृपा उस बार ऐसी रही कि बच्चे हमारे सब भीगते हुए पूरे ढाई घंटे तक अपना काम किए थे और भीगा हुआ रावण का पुतला उस बार जितना अच्छा जला था उतना कभी अच्छा नहीं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।